नमस्कार, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में आज के हमारे इतिहास के बारे में। आज हमारे इतिहास में क्या हुआ है, आज हमारे इतिहास में किस महान पुरुष का जन्मदिन है, आज हमारे इतिहास में किस महान पुरुष की मृत्यु हुई है, आज हमारे इतिहास का कौन सा दिवस है और आज हमारे इतिहास में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएँ जो आज के दिन घटित हुई थी, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो शुरू करते हैं, आज कौन सा दिवस है। आज गणेश चतुर्थी है। आज के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि आज के दिन किस महान पुरुष का जन्म हुआ था। आज इनायतुल्ला खान मशरकी का जन्म हुआ था। इनायतुल्ला खान मशरकी का जन्म 25 अगस्त 1888 को हुआ था और इनकी मृत्यु 27 अगस्त 1963 को हुई थी। इनायतुल्ला खान मशरकी काश्तकार आंदोलन के जनक थे। आज के दिन किस महान पुरुष की मृत्यु हुई है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आज अहमद फराज जी की मृत्यु हुई है। अहमद फराज जी का जन्म 12 जनवरी 1931 को हुआ था और इनकी मृत्यु 25 अगस्त 2008 को हुई थी। अहमद फराज उर्दू के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। आज हरिभाऊ उपाध्याय जी की मृत्यु हुई है। हरिभाऊ उपाध्याय जी का जन्म 24 मार्च 1892 को हुआ था और इनकी मृत्यु 25 अगस्त 1972 को हुई थी। हरिभाऊ उपाध्याय भारत के प्रसिद्ध साहित्य सेवी एवं राष्ट्रकर्मी थे। आज जेम्स वॉट जी की मृत्यु हुई है। जेम्स वॉट जी का जन्म 30 जनवरी 1736 को हुआ था और इनकी मृत्यु 25 अगस्त 1819 को हुई थी। जेम्स वॉट स्कॉटलैंड के एक आविष्कारक थे। आज माइकल फेराडे जी की मृत्यु हुई थी। माइकल फेराडे जी का जन्म 22 सितंबर 1791 को हुआ था और इनकी मृत्यु 25 अगस्त 1867 को हुई थी। माइकल फेराडे भौतिक विज्ञानी एवं रसायन शास्त्री थे। आज नील आर्मस्ट्रांग जी की मृत्यु हुई है। नील आर्मस्ट्रांग जी का जन्म 5 अगस्त 1930 को हुआ था और इनकी मृत्यु 25 अगस्त 2012 को हुई थी। नील आर्मस्ट्रांग एक अमेरिकी खगोल यात्री और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अब हम आपको बताते हैं कि आज के दिन हमारे इतिहास में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएँ घटित हुई थी। 1351 आज के दिन फिरोज शाह तुगलक तृतीय की ताजपोशी हुई थी। 1888 आज के दिन सोवियत यूनियन के नेता जोसेफ स्टालिन ने 16 विद्रोहियों को फांसी पर चढ़ा दिया था। 1975 आज के दिन भारत पोलो का विश्व विजेता बना था। 1991 आज के दिन सोवियत यूनियन से अलग होकर बेलारूस स्वतंत्र देश बना था। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा इतिहास। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।